पैकेज में हिस्से में बांट सकते हैं, एक एग्जिस्टिंग लीनियर प्रोजेक्ट और दूसरे भविष्य में निर्मित होने वाले लीनियर प्रोजेक्ट, है ना, मोटा मोटा दो हिस्से में बांट सकते हैं। तो सब जगह तो वाइल्ड लाइफ वैसे बहुत याद में नहीं है, तो भारत सरकार ने इसके लिए एक कमेटी गठित की थी जिसका स्पेसिफिकली यही टाइटल था, लीनियर प्रोजेक्ट्स उसको कैसे मिटिगेशन किया जाए। तो उस पे से एक कमेटी जो बनी थी, कमेटी ने अपने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के आधार पे भारत सरकार ने गाइडलाइन दी और गाइडलाइन के आधार पर राज्य सरकार इसके ऊपर काम करती है। तो कहाँ किस प्रकार के प्रोटेक्टेड एरिया में कैसा लीनियर प्रोजेक्ट आ सकता है या नहीं आ सकता, एक तो वो गाइडलाइन में बताया है, अगर आएगा तो उस पर क्या क्या कंडीशन लगाई जाएंगी, ये उस पर क्या क्या मिटिगेशन मेजर लगाए जाएंगे, ये उस गाइडलाइन के उद्भूत होता है। अब जो पुराने एग्जिस्टिंग वाले लीनियर स्ट्रक्चर्स हैं उनका अपग्रेडेशन भी होता है, उनका मेंटेनेंस भी होता है, उनकी स्पीड बढ़ती है। पहले हो सकता है कि उसी सड़क पे 20 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलती हो, अब सड़कें बेहतर हो गई, गाड़ियाँ बेहतर हो गई, 40 से 50 से 60 से 70 से 100 से स्पीड गाड़ी चल रही है। तो वो लीनियर प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत रेट्रोफिटिंग का इशू आता है। तो रेट्रोफिटिंग में किस प्रकार के मेजर कर सकते हैं, तो उसके लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में सुहास कुमार साहब ने और चौहान साहब ने बताया था कि उन्होंने डिफरेंट टाइप की स्पीसीज के लिए अलग अलग टाइप के डिजाइन दिए हैं, उन डिजाइन को एनफोर्समेंट करने का इशू है अभी। तो मेरा सभी लोगों से इसमें ये अनुरोध है कि जहाँ लीनियर प्रोजेक्ट्स के कारण से स्पेसिफिक जगहों पे जहाँ एनिमल क्रॉस होते हैं, तो ऐसा नहीं कि 100 किलोमीटर दिनों तक 100 किलोमीटर में बराबर से क्रॉस होते हैं, तो कहीं कहीं से क्रॉस करते हैं जहाँ पर उनको सुविधाजनक रहता है, उनका पूर्ववर्ती मार्ग था, वहाँ पे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। मेरे ख्याल में सागर ने ये इशू उठाया था कि रोड क्रॉस करते समय में एनिमल की डेथ होती है, यहाँ शेड्यूल ने भी शायद इशू उठाया था, ये जो है शिवपुरी ने उठाया था। तो अगर हम ऐसे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें पहले कि साहब ये वल्नरेबल पॉइंट्स हैं लीनियर प्रोजेक्ट में, फिर सेकेंड स्टेप होगा कि ये वल्नरेबल पॉइंट पर कौन सी प्रजातियों के लिए वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, फिर थर्ड स्टेप में ये आएगा कि इस प्रजातियों के लिए क्या किस प्रकार का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं कि वो वल्नरेबिलिटी समाप्त हो जाए या मिटिगेट हो जाए या कम हो जाए। ऐसा होने के बाद असली काम शुरू होगा, ये तो रिसर्च और नॉलेज बेस्ड का काम हो गया, इसमें कोई अड़ंगा नहीं लगाएगा। लेकिन द मोमेंट यू से यहाँ पर ये बनाया जाए तो उसमें पैसे लगेंगे। अगर मान लीजिए PWD का रोड है, रोड को क्रॉस करने के लिए हम कैसा यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनाना है जिसके ओवरपास बना के एनिमल जा सकें या अंडरपास बना के एनिमल जा सकें, तो मैं अगर PWD में इंजीनियर होऊंगा तो मैं कहूँगा सर मैं तो रोड बना चुका, मेरा प्रोजेक्ट तो समाप्त हो चुका, इस पर मेरे पास कोई बजट नहीं है आज की डेट में। तो भाई पुराने दौर में बजट नहीं है लेकिन नया तो बजट खड़ा कर सकते हैं ना, तो वो कहेंगे कि फिर मेरी कॉम्पिटिंग डिमांड के साथ मैं फलाने रोड जहाँ पे कि गांव सरकार ने कहा 500 तक की आबादी के सारे गांव रोड से जोड़ो, 250 तक की आबादी के गांव सारे रोड से जोड़ो, उसके बाद मैं उसको दूँ कि आपके जानवर को देखूँ। यहाँ पर पब्लिक का मोबिलाइजेशन काम आता है कि हम मोबिलाइज कर सकते हैं लोगों को कि साहब ये बहुत ज़रूरी है करिए आप, और सोशल मीडिया की पावर है, आप लोग तो बहुत उस्ताद हैं वोट सोशल मीडिया के यूज़ करने में, तो यू कैन जनरेट ए प्रेशर ग्रुप लोकली कि साहब ये यहाँ बनाया जाना जरूरी है, और उसको एस्केलेट कर सकते हैं लोकली से ऊपर में ले जाके, ये मतलब आप लोगों का रोल इसमें हो सकता है। बाकी स्टेप्स यही लगेंगे, चाहे वो वन विभाग करे, सरकार का दूसरा विभाग करे, कोई इंडिविजुअल करे या कोई NGO करे, कि पहले स्पॉट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, प्रजातियाँ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी वल्नरेबिलिटी वाली, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को फाइनल करना पड़ेगा और उसके बाद में रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे। सो देयर इज अ प्रोसेस व्हिच इज अवेलेबल एंड इट शुड बी यूटिलाइज्ड।